अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे चना दाल ढाबा स्टाइल, जिसके लिए हमने ले लिया 1/2 kg चने की दाल, जिसको हमने जो है वो सोक कर दिया था, भिगो दिया था ताकि जो ये अच्छे से गल जाए। इसके अलावा हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1/2 tablespoon, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या फिर 1/2 tablespoon, हल्दी हमने ली थी 1/2 teaspoon, और कड़ी पत्ते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने ऑयल गरम किया, उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब हम यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने चॉप करके ब्लाइंड कर लिया था। आप चाहें तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको पकाना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे अब हम ये टोमेटो का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, हल्दी। जी तो अभी ये अच्छे से भुन गया है। जितना सालन को भुनेंगे वो उसका उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने अपने ड्राई मसाले ऐड कर दिए, अब हम इसको अच्छे से और भुनेंगे। फिर हम इसमें जो हमने दाल को सोक किया था वो ऐड कर देंगे और उसको फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें 1/2 cup ऑफ वाटर ऐड करेंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि वाली दाल थोड़ी सख्त होती है तो इससे थोड़ा टाइम लगता है। जी तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसमें 1/2 cup ऑफ वाटर। अब हम इसको ढक देंगे और फिर हम इसे दरमियानी आंच पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट। जी तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। मैं शान का ज़ाफ़रानी गरम मसाला यूज़ करती हूँ, उससे खाने में टेस्ट अच्छा आता है। और 1/2 टेबल स्पून सूखी मेथी और 2-3 जो है मैंने हरी मिर्च लेके काट लिया था। इसको हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे, उसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। जी तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी दाल, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।